टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। आज गंगाजल बिरादरी के तत्वाधान में सरोकारी नागरिकों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कमिश्नरी पार्क मेरठ में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर सद्भाव संवाद व संगीत का आयोजन किया। इस दौरान देश के कुछ प्रमुख गांधीवादियों के साथ मेरठ से दिल्ली जा रहे सद्भावना यात्रा में सहभागी यात्री भी संवाद का हिस्सा बने। भारतीय समाज शास्त्र के पूर्व अध्यापक आनंद कुमार ने बताया कि जाति, संप्रदाय, भाषा क्षेत्र के विभाजनों के कारण हमारा देश गुलाम हुआ और बटा भी। स्वतंत्रता सेनानियों ने गुलामी, गरीबी, बेरोजगारी, अन्याय और नफरत की स्थायी शांतिपूर्ण समाधान के लिए कुर्बानी दी। ये समस्याएं आज भी देश के सामने हैं। देश में अमन, चैन, इंसाफ और इंसानियत बढ़ाने की जिम्मेदारी राजनेताओं और राजनीतिक दलों की ही नहीं है, समाज की भी है। सभी राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं इस मोर्चे पर निराश भी किया है। सुनिए समाज शास्त्र के अध्यापक आनंद कुमार ने क्या बताया। मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं समाजशास्त्र का शिक्षक हूँ, भारतीय समाजशास्त्र परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ। ये जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर जगह जगह वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें वोट बैंक तो बन रहा है लेकिन नेशन बिल्डिंग का काम, राष्ट्रीय एकता का काम बिखर रहा है। मुसलमान को लगता है कि हमको हमारे धर्म के कारण सज़ा मिल रही है, दलितों को लगता है कि हमारी जात के कारण हमारा अपमान हो रहा है, औरतों को लगता है कि हमारे शरीर के कारण हमारे साथ बेइज्जती होती है, और सबसे ज़्यादा गांव वाले और गरीबों को, उसमें हिंदू, मुसलमान, मर्द औरत सब शामिल हैं, उनको लगता है कि काश हम दिल्ली, बम्बई, बंगलोर के होते तो सब हमारे लिए होता। आज हमारे लिए इस देश में, इतने बड़े देश में हमारे लिए कुछ नहीं है, न शिक्षा है, न कमाई का तरीका है, न बीमारी का इलाज है, न महंगाई की पूछो। तो ये जो लड़ाई चल रही है ये आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी हुई है। आज़ादी की लड़ाई बेरोजगारों की थी, आज़ादी की लड़ाई किसानों की थी, आज़ादी की लड़ाई जो लगातार अपमानित हो रहे थे, अन्याय झेल रहे थे, उनकी थी। देखिए दिल्ली में अंधेरा का मतलब ये हुआ कि वहाँ दिशा दिखाई नहीं पड़ रही है, देश को किधर जाना चाहिए ये दिल्ली के लोगों को समझ में नहीं आता। दिल्ली में इस समय भूमंडलीकरण की आंधी चल रही है और पैसा कमाने की धुंध है और सांप्रदायिकता की लहर चल रही है, इसीलिए दिल्ली में कुछ समय पहले 40-50 बेगुनाह हिंदू और मुसलमान मार। बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।